आज हम बात करेंगे हमारे सुख दुख का कारण क्या है, हम परेशान क्यों हैं। दरअसल बाहर में जो परिस्थिति बनती है, जो घटना घटती है, वो तो एक परिणमन है, एक होने वाला कार्य है, अनिवार्य कार्य। वो सुख दुख का कारण नहीं होता। उसके संबंध में आपका नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है, वो सुख दुख का कारण होता है। जैसे देखो ना, बाहर में थोड़ा एक उदाहरण है। कोई बुजुर्ग महिला होवे, बहुत दिन से बिस्तर पर हो, उसकी बहू उसे नहीं चाहती हो, और उसका जो नाती है, छोटा सा बच्चा है, वो बहुत प्यार करता है अपनी दादी से, और कोई इंसिडेंट उस जो बूढ़ी माँ की देह का परिवर्तन हो जाए, देहावसान हो जाए, तो वो छोटा सा बच्चा कितना दुखी होता है। उसकी अपेक्षा उसकी माँ हो सकती उतनी दुखी ना हो रही हो, और अधिक परेशान हो सेवा कर कर के, तो कहो अंदर से ठीक भी मान रही हो। अब बोलो, घटना तो एक ही घटी, पर दो लोगों के नजरिए अलग अलग थे, तो दोनों को, एक को सुख का कारण बना, एक को दुख का कारण। ऐसे ही दुनिया में जो भी हो रहा है, होने योग्य हो रहा है, स्वकाल में हो रहा है, क्रमबद्ध में जो था वो हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा नजरिया उसके संबंध में क्या है। हम महापुरुषों को याद करें, अब्राहम लिंकन कितनी बार हारे वो, और जाके 52 ईयर्स में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अभी आपको वो छोटी छोटी हार कैसी लग रही है? अरे वो हार नहीं थी, एक बहुत बड़ी जीत का सोपान था, उसके स्टेप थे वो। यदि वो उस उम्र में नहीं हारते तो इतने ऊपर तक पहुंच भी नहीं पाते, वहीं कहीं छोटा मोटा पद लेकर संतुष्ट हो जाते। इसलिए मेरे भाई, हार में भी जीत है और जीत में भी हार। आपका नजरिया कैसा है, आपके सोचने का तरीका कैसा है? कभी कभी कोई बंदा, कोई व्यक्ति जॉब के लिए जाता है, और एक 20 हजार 25 हजार का जॉब मिलते मिलते उसे रह जाता है, तो वो मायूस होता है, लेकिन 4 दिन बाद उसे 50 हजार का जॉब मिल जाता है। अब सोचो, वो 25 हजार का जॉब नहीं मिलना अच्छा था कि बुरा? अच्छा ही था। देखो, आज हमारा नजरिया उसके बारे में बदला तो हम प्रसन्न हैं। घटना तो घटना है। कभी कभी ऐसा होता है, किसी व्यक्ति की आंख में गंदा खून भर गया था और उसे दिखाई नहीं देता था, विचित्र विचित्र दिखाई देता था, लेकिन किसी के द्वारा उस आंख पर किसी प्रकार की चोट लगी और खून खून निकलने लगा। बाहर से देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि ये, अरे ये क्या हुआ, उसकी तो आंख ही फूट गई। तुमने उसकी आंख फोड़ दी, फोड़ने वाला भी घबरा रहा, फूटने वाला भी घबरा रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी आंख में से दिखने लगा था, ज्योति आ गई थी, क्योंकि उसका गंदा खून निकल गया था। अब बताओ, वो दोनों दुखी हो रहे थे, लेकिन दुखी होने का कारण क्या था वहां पर? लेकिन नहीं मालूम था, उल्टा सोच रहे थे तो दुखी हो रहे थे। ऐसे ही प्रभु, हर पल मन व्यवस्थित हो रहा है, वेल मेंटेन्ड हो रहा है, पर आप उसके संबंध में क्या सोच रहे हो, ये आपके सुख दुख का कारण है। आप उल्टा सोच रहे होंगे तो जरूर दुखी होंगे, आप सीधा सोच रहे होंगे तो सही सचमुच आप सुखी होंगे। आपकी सोच आपको दुखी करती है, आपकी सोच आपको सुखी करती है। एक ही पर्णमन किसी को सुख का कारण हो जाता है, किसी को दुख का कारण हो जाता है। किसान को पानी की आवश्यकता है तो बारिश उसे सुखद लग रही है, वहीं कुम्हार को घड़ा बनाना है, मिट्टी नहीं सूख रही है तो उसे बारिश में कंटाल आ रहा है, बुरी लग रही है। अब बारिश अच्छी है कि बुरी? अरे बारिश अच्छी बुरी नहीं है, बारिश तो पुद्गल का पर्णमन है, सिस्टम है, एक प्रकृति का सिस्टम। तो फिर सुखी दुखी होने का क्या कारण है? कि सुखी दुखी होने का कारण तो आपकी मान्यता है, आपकी सोच है, आपका नजरिया है। इसलिए मेरे भाई, बाहर की किसी घटना में, दुर्घटना में, बाहर के किसी पर्णमन में न सुख है न दुख। सुख और दुख तो आपके दिमाग में है, आपकी सोच में, आपके माइंड में, आपके विचारने की किस तरह की योग्यता है उस पर है। इसलिए मेरे भाई, बाहर नहीं, अंतरंग में सुधार करो, अपना नजरिया बदलो, अपने सोचने का तरीका बदलो, अपनी मान्यता बदलो, अपनी सोच बदलो,
आपकी सोच बदलेगी तो सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, और आपकी सोच नहीं बदलेगी तो सब कुछ अच्छा होने पर भी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। विचारना, सब कुछ आपके हाथ में है, सुखी होना दुखी होना। बाहर में ना कोई किसी को सुखी करता ना दुखी करता है, ये तो झूठ है। सच तो ये है कि आप स्वयं अपनी सोच से सुखी और दुखी होते हैं। आइए सोच बदलें, दुनिया बदलें।